हेलो स्टूडेंट, हम लोग पॉलीमर चैप्टर को कवर कर रहे थे। पॉलीमर चैप्टर के हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में बात की थी। ये भी बात की थी कंडेंसेशन पॉलीमर जो होंगे हम लोग को पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पॉलीएमाइड उस लेक्चर में, लेक्चर 3 में पॉलीएमाइड हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। आज हम लोग पॉलीएस्टर के बारे में बात करेंगे, है ना। पॉलीएस्टर नाम से स्पष्ट हो रहा है ये एस्टर है, लेकिन कितने हैं? बहुत सारे हैं, पॉलीएस्टर हैं। आपको पता है एस्टर क्या होते हैं? आपको ये पता है, 12th में आपने पढ़ा होगा एस्टर क्या होते हैं। जब एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन होती है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। फिर से सुने, जब एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है, तो क्या बनता है? एस्टर का फॉर्मेशन हुआ करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे कोई भी ऑक्सी एसिड हो सकता है। यह समझने की कोशिश करना आप। ये एस्टर का फॉर्मेशन होता कैसे है? आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका एल्कोहल है, है ना। तो एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और एल्कोहल से H रिमूव हो जाता है। एस्टर के फॉर्मेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलता है? OH निकलता है और एल्कोहल से H निकल जाता है। मतलब किस तरीके से ये कन्वर्ट होगा? जब OH निकलेगा कैसे? CO, ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ऐसा ही होगा। इसी तरीके से अगर एल्कोहल से H निकल जाएगा तो ये किस तरीके से होगा? ऐसे ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्या बनेगा? आर सी ओ। ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? ओ आर डैश। ये क्या है? आपका एस्टर है, एस्टर ग्रुप है ना, एस्टर कंपाउंड है। क्या किया मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकाला? OH निकाला। एल्कोहल से क्या निकाला? H निकाला। एस्टर के फॉर्मेशन में आप हमेशा याद रखेंगे, एस्टर कभी भी फॉर्म होता है ऑक्सी एसिड से या कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्या निकलता है? OH निकलता है, और एल्कोहल से क्या निकलता है? H निकलता है, तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाया करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में हम लोगों को दो कंपाउंड पढ़ने हैं, दो पॉलीमर पढ़ने हैं। कौन कौन से? टेरिलीन या डेक्रॉन, और दूसरा जो कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा वो पॉलीमर पढ़ेंगे हम लोग ग्लिप्टॉल, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेरिलीन के बारे में। टेरिलीन का फॉर्मेशन कैसे होता है? टेरिलीन को ही हम लोग डेक्रॉन बोला करते हैं। टेरिलीन का फॉर्मेशन जब इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाते हैं हम लोग टेरिथैलिक एसिड से, क्या मैंने कहा? टेरिलीन का फॉर्मेशन कैसे होगा? जब इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन टेरिथैलिक एसिड से कराते हैं तो आपका टेरिलीन का फॉर्मेशन होता है। टेरिलीन क्या है? आपका पॉलीएस्टर है। पॉलीएस्टर का कैसे फॉर्मेशन होगा? एल्कोहल से क्या निकलेगा? एच निकलेगा, और एच से क्या निकलेगा? OH निकलेगा। अब जरा समझना ध्यान से, देखो जरा, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, आपको पता है इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये होता है। कैसे याद रखेंगे जरा समझे ध्यान से। ये आपका इथाइलिन होता है ना, पता है आपको इथाइलिन होता है। यहाँ से डबल बॉन्ड को हटाएंगे और क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। तो ये क्या बन गया? आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब जरा समझे ध्यान से, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे? किससे करानी है आपको? टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है जरा समझिए। ये आपका बेंजीन है, आमने सामने वाली पोजीशन पे CWH लगा दो आप, ये आपका टेरिथैलिक एसिड है। क्या है आपका? टेरिथैलिक एसिड। इनके बीच में कंडेंसेशन होगा, जब इनके बीच में कंडेंसेशन होगा, हम लोग नीचे लिख दे रहे थे, कंडेंसेशन होगा तो बताओ जरा, या फिर एस्ट्रिफिकेशन होगा, इनके बीच में एस्ट्रिफिकेशन करा दो आप, क्या करेंगे? एल्कोहल से क्या निकलेगा? H निकलेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलेगा? OH निकलेगा। जैसे समझिए, यहां से क्या निकलेगा? H निकलेगा, और यहां से क्या निकलेगा? OH निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा? H निकलेगा। ये पास पास में ये जुड़ जाएंगे, ये दूर ग्रुप है तो H निकला रह जाएगा आपका, ये ग्रुप बन जाएगा। ये OH यहां से निकल जाएगा क्योंकि एसिड है, तो OH यहां से निकलेगा, OH यहां से, H यहां से, H यहां से। जरा समझे कैसे बनेगा, यहां से ये बॉन्ड है ना आपका, ये भी बॉन्ड है, H निकाल दो आप। H निकालेंगे तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और क्या बनेगा? CH2 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2,
एस निकालेंगे ओ रह जाएगा सिर्फ। अब ये सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से एच, यहाँ से ओ एच, ठीक है, एस टू निकल जाएगा आपका, ठीक। एच यहाँ से, ओ एच यहाँ से, ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड होता है वो किससे लगेगा, सी ओ से। और ये आपकी बेंजीन रिंग है, उसके बाद सी ओ, आप बताओ क्या निकलेगा यहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, एस्टर बनाना है, ओ एच निकाल दो आप, यहाँ से ओ एच निकल गया, ओ एच यहाँ से निकल गया आपका, ठीक है। ये बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। अब ये आपका एस्टर बन गया। अब जो समझना, हमें बनाना है इसका पॉलीमर, पॉलीएस्टर बनाना है। पॉलीएस्टर बनाने के लिए बहुत सारे एल्कोहल लेंगे हम लोग, बहुत सारे डाइओल लेंगे और बहुत सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, बहुत सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। तो अब पॉलीएस्टर बनेगा, पॉलीएस्टर कैसे बनेगा, अब जब बहुत सारे एल्कोहल और बहुत सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो आपका टेरिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे, एन यहाँ पे जोड़ देंगे, समझ में आ गया, कैसे, जब मैंने एक इथाइलिन ग्लाइकॉल ली, एक इथाइलिन ग्लाइकॉल और एक टेरिथैलिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया तो एक ये बनेगा, जब मैंने एन एन लिए तो बहुत सारा मॉलिक्यूल बना के क्या बनेगा, पॉलीमर बन जाएगा इसका, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जोड़ के क्या बनाएंगे, पॉलीमर बन जाए, बना लेंगे। इस पॉलीमर को ही नाम क्या देंगे हम लोग, टेरिलिन और डेक्रॉन। टेरिलिन को ही क्या बोला करते हैं हम लोग, डेक्रॉन बोला करते हैं। फिर से एक बार समझे ध्यान से, ये आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन टेरिथैलिक एसिड से कराते हैं, ये क्या है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये क्या है टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। जब हम इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन टेरिथैलिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, टेरिलिन बनता है। टेरिलिन के बनने में एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस यूज होती है। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, एल्कोहल से एस निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ओएच निकलता है। एल्कोहल से मैंने एस निकाला, ये वाला बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये वाला बॉन्ड बन गया। यहाँ से मैंने एस निकाला तो ये वाला बॉन्ड बन गया। यहाँ से ओएच निकाला, ये वाला बॉन्ड फ्री हुआ और इस वाले बॉन्ड और कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री होगा, कार्बन का बॉन्ड फ्री होगा, वो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, बेंजीन रिंग है। उसका सी ओ, एस्ट्रिफिकेशन में एसिड से ओएच निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और क्या बन गया आपका, पॉलीमर बन गया। क्लियर है इतना, चलिए टेरिलिन आप समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा टेरिलिन की मोनोमर यूनिट बताइएगा जिनसे टेरिलिन बनता है, तो क्या बताएंगे आप, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लिप्टॉल के, ग्लिप्टॉल भी आपका पॉलीएस्टर हुआ करता है, क्या मैंने कहा, ग्लिप्टॉल भी आपका पॉलीएस्टर हुआ करता है। ग्लिप्टॉल और डेक्रॉन में, टेरिलिन में बस इतना सा अंतर है, ग्लिप्टॉल में मोनोमर जो यूनिट होती है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड होता है, टेरिलिन में मोनोमर यूनिट इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथैलिक एसिड होता है। क्या मैंने कहा, ग्लिप्टॉल में क्या होता है, टेरिथैलिक एसिड की जगह क्या होता है ग्लिप्टॉल में, थैलिक एसिड हुआ करता है, लेकिन इथाइलिन ग्लाइकॉल दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। जब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉलीएस्टर के बारे में बात करते हैं, वो कौन सा है, ग्लिप्टॉल है, ग्लिप्टॉल। जब समझना ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लेंगे, ये आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थैलिक एसिड ले लेंगे, ये आपका क्या है, थैलिक एसिड है। ठीक, ऐसे तो होता है थैलिक एसिड, देखो ये तो होता है थैलिक एसिड, पता है ना आपको, तो हमने बस इसे घुमा दिया, थैलिक एसिड बन गया, ठीक है। एस्ट्रिफिकेशन कराना है आपको, एस्ट्रिफिकेशन कराएंगे हम लोग, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन कराएंगे तो यहाँ से एस निकलेगा, यहाँ से भी एस निकलेगा, ये पास वाले ग्रुप है तो जुड़ जाएंगे, एस्टर बना लेंगे, यहाँ से ओ एच, यहाँ से एच, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ से एस निकलेगा और यहाँ से ओ एच निकल जाएगा। जब समझे कैसे बनेगा, किस तरीके से ग्लिप्टॉल का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड एस निकलेगा तो सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, सी एच टू,
सिंगल बॉन्ड सी एस टू, यहाँ से क्या निकलेगा एच या ओ एच, एच टी पी में क्या निकलता है एच निकलता है ना या ओ एच निकलता है एल्कोहल से, नहीं एच निकलता है। ओ एच किससे निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, यहाँ से एच निकल जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है यहाँ से एच यहाँ से ओ एच। अब ओ एच निकलेगा ये वाला ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से ना सी ओ, उसके बाद ये वाला कार्बन बेंजीन से जुड़ा है, फिर क्या होगा आपकी बेंजीन बना दीजिए आप, बेंजीन बना दी मैंने। अब बताओ इस वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या निकलेगा, बिल्कुल ओएच निकलेगा, ओएच निकलेगा और सिंगल बॉन्ड ऐसे क्रिएट हो जाएगा आपका का क्या हो जाएगा होल एन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है ऐसी बहुत सारी यूनिट है इस कंपाउंड में और बहुत बड़ा कंपाउंड है ये, इसे क्या बोलेंगे हम लोग ग्लिप्टॉल बोलेंगे। क्लियर है इतना, क्या मैंने कहा ग्लिप्टॉल का फॉर्मेशन, ग्लिप्टॉल कैसे बनता है, ग्लिप्टॉल की मोनोमर यूनिट क्या होती है इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड और एस्टिफिकेशन प्रोसेस कराएंगे क्या बन जाएगा आपका ग्लिप्टॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या कहा मैंने फिर से सुने, जब हम इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड के बीच में एस्टिफिकेशन प्रोसेस कराते हैं तो क्या बनता है आपका ग्लिप्टॉल का फॉर्मेशन होता है। बस इतना कीजिएगा यहाँ पे एन मोनोमर यूनिट ले लीजिएगा तभी पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है अगर समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को बार बार देखें आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।